हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लॉकडाउन के इस दौर में जो वर्क फ्रॉम होम है, उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी का जो पहला पेपर है उसका एक टॉपिक है वो पढ़ते हैं, जू जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल, प्राणियों का भौगोलिक वितरण। पृथ्वी के ऊपर जो विभिन्न एनिमल फोना है, जो जंतु जात है, उसको पृथ्वी पे विभिन्न छह भागों में बांटा गया है। उसके छह अलग अलग रीजन सन 1857 में एक वैज्ञानिक थे स्केलेटर, उन्होंने छह जोन्स में पूरी पृथ्वी के जो भूभाग है उसको बांटा था, जिसमें आता है पैलियारक्टिक रीजन, इथोपियन रीजन, नियारक्टिक रीजन, नियोट्रॉपिकल रीजन, ओरिएंटल रीजन जिसको उन्होंने इंडियन रीजन कहा, और ऑस्ट्रेलियन रीजन। इसके बाद में एक और साइंटिस्ट आए एआर वेलेस, उन्होंने इस जो इंडियन रीजन है उसका नाम बदल करके ओरिएंटल रीजन रख दिया। तो ये जो प्राणी जात इन क्षेत्रों में मिलता है वो बड़ा ही विचित्र होता है। हर रीजन में एक पर्टिकुलर मेमेलियन फोना है, एक स्पेसिफिक स्तनधारी जीवों का समूह पाया जाता है। क्योंकि हमारे कोर्स बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में केवल मेमेलियन फोना के ऊपर ही फोकस किया गया है, तो आज हम केवल मेमेलियन फोना के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि इन क्षेत्रों में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि छह रीजन होते हैं, ये वाला जो रीजन है जो कि एशिया और यूरोप महाद्वीप से मिलकर के बना हुआ है, ये रीजन पेलियारक्टिक रीजन कहलाता है। पेलियारक्टिक रीजन सबसे बड़ा लार्जेस्ट रीजन है, और ये रीजन जो है बेसिकली इसके अंदर शीतोष्ण जो जलवायु है, टेम्परेट क्लाइमेट इसमें पाया जाता है। इस रीजन के यदि हम भाग देखें तो इसको फिर चार फर्दर सब रीजन में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से वो सब रीजन हैं? पहला है यूरोपियन सब रीजन, जिसके अंदर आल्पस ये जो माउंटेन है, इसके अलावा इसके अंदर ये बालकन है, आर्कटिक रीजन वाला पार्ट है, कोकेशियन माउंटेन रेंज है, और ब्लैक सी के आसपास का जो रीजन है पूरा, ये सारा का सारा यूरोपियन सब रीजन है। सेकंड आता है मेडिटेरेनियन सब रीजन, मेडिटेरेनियन सी के आसपास जो देश हैं, भूमध्य सागर, जिसके अंदर उत्तरी अफ्रीका है, उत्तरी सहारा का रेगिस्तान है, ये जो अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट है, और ये पर्शिया का पार्ट है, यानी कैस्पियन सी के आसपास का जो रीजन है ये मेडिटेरेनियन सी वाला रीजन आता है। तीसरा है साइबेरियन सब रीजन, इसमें पूरा रशिया और मध्य एशिया का पार्ट है, ये पूरा का पूरा साइबेरियन सब रीजन में आता है। और चौथा पार्ट कहलाता है सब रीजन मंचूरियन सब रीजन, मंचूरियन का मतलब है जिसके अंदर चाइना, कोरिया, जापान, और ये वाला रीजन जो है नॉर्थ चाइना का रीजन जो है ये मंचूरियन सब रीजन में आता है। तो इस सब रीजन में जो स्पेसिफिक एनिमल हैं उनमें मेमेलियन फोना में हम बात करेंगे, इसमें पांडा पाया जाता है, जैसे कि पांडा यहाँ पर आपको चाइना में मिलता है, याक ये जो साइबेरिया का रीजन है इसमें याक, इसके अलावा कुछ एंटीलोप्स हैं, दो कुबड़ के ऊँट हैं, कैमल हैं, और जो यहाँ का स्पेसिफिक जो एंडेमिक फोना है, मेमेलियन फोना है, उसमें है सिल्वीनिया रोडेंट और स्पालेक्स मोल रैट, जो कि केवल और केवल पैलियारक्टिक रीजन में पाए जाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं इथोपियन रीजन की। ये इथोपियन रीजन, जैसा कि नाम से ही पता है, इथोपिया एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट मेमेलियंस डाइवर्सिटी का सबसे ज़्यादा यहाँ डाइवर्सिटी पाई जाती है। और इस रीजन को भी फिर फर्दर हम चार भागों में डिवाइड करते हैं, वो है ईस्ट अफ्रीकन सब रीजन, वेस्ट अफ्रीकन सब रीजन, साउथ अफ्रीकन सब रीजन जिसके अंदर कालाहारी अफ्रीका जो है साउथ अफ्रीका कंट्री है, और एक आता है मेलागासी सब रीजन जिसके अंदर मेडागास्कर, ये मेडागास्कर और सेसल्स, और इसके अलावा ये जो टापू हैं यहाँ पे मॉरिशस वगैरह, ये मेलागासी सब रीजन में आते हैं। तो इसके ईस्ट अफ्रीकन में साउथ सहारा का जो डेजर्ट है वो हो गया, साउथ अरेबियन पेनिनसुला के ये जो कंट्री हैं ये रीजन हो गया,
वेस्ट अफ्रीकन में कांगो घाना ये हो गया, और साउथ में जैसे मैंने अभी बताया कालाहारी हो गया। इसके अंदर भी बेसिकली जो मेमिलियन फूना है वो इसी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि जेब्रा आपको दिख रहा है यहाँ पे, चिंपांजी है, गोरिल्ला है, गेंडा है, जिराफ है, अफ्रीकन लोयन है, हाथी है, एलिफेंट है, बबून है, ठीक है, दो सिंगों वाला गेंडा यहाँ मिलता है, जेब्रा है, वाइल्ड बीस्ट है, वो इस रीजन में पाए जाते हैं मेमिलियन फोना के अंतर्गत। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है ओरिएंटल रीजन। ओरिएंटल रीजन जिसका पहला पुराना नाम इंडियन रीजन है, भारतीय क्षेत्र जिसको कहेंगे, लेकिन जो एक साइंटिस्ट थे A.R. वेलेस, इन्होंने इसका नाम ओरिएंटल रीजन कहा, क्योंकि ये दुनिया का सबसे प्राचीनतम रीजन है ज्योग्राफिकली भी और जू ज्योग्राफिकली भी। इस रीजन के अंदर फिर सब चार सब रीजन हैं, कौन कौन से हैं, चार उपक्षेत्र, इंडियन सब रीजन, भारत जिसके अंदर हिमालय के साउथ में और अफगानिस्तान पाकिस्तान से इस वाला जो सारा रीजन है ये इंडियन सब रीजन है, इंडिया नेपाल भूटान लक्षद्वीप मालदीव ये सब इंडियन सब रीजन में आते हैं। सेकंड है इंडो चाइनीज रीजन, जिसके अंदर साउथ चाइना है, म्यांमार है, थाईलैंड है, अंडमान आइलैंड भी इंडो चाइनीज रीजन में आते हैं। फिर आता है इंडो मलाया रीजन, इंडो मलाया का मतलब होता है मलेशिया और ये जो पार्ट है जावा सुमात्रा बोर्नियो, ये जो इंडोनेशिया फिलीपाइंस ये जो पार्ट है ये सारे के सारे इंडो मलाया रीजन में आते हैं। और चौथा है सिलोनीज रीजन, सिलोन पहले श्रीलंका का प्राचीन नाम है तो इसलिए इसको सिलोनीज रीजन कहते हैं, इसमें श्रीलंका और लास्ट इंडिया का जो केरल का कुछ हिस्सा और तमिलनाडु का कुछ हिस्सा इसमें आता है। यहाँ जो फोना है मेमिलियन फोना उसमें हम देखते हैं यहाँ पे ट्री श्रू पाया जाता है, फ्लाइंग लीमर है, टार्सियर है, ओरांग उटान है, ऐप है, हाइना है, रॉयल बंगाल टाइगर है, एलिफेंट है, वन हॉर्न राइनोसिरोस है जिसको ये एक सिंह का गेंडा कहेंगे, एंटीलोप्स हैं, डॉल्फिन्स हैं और लोरिस जो कि इंडिया साउथ इंडिया में जो साइलेंट वैली और जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पाए जाने वाला एक मेमल्स है। ये मेमल्स इस रीजन के एंडेमिक है। इसके बाद में हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन सब रीजन की। ऑस्ट्रेलियन सब रीजन जैसे कि ये दुनिया के पूरे भूभाग से कटा हुआ है और ये रीजन इसके भी हम चार भाग बांटते हैं, चार सब रीजन हैं ऑस्ट्रेलियन रीजन के। पहला है ऑस्ट्रेलियन सब रीजन जिसमें ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया आता है। फिर आता है न्यूजीलैंड सब रीजन, न्यूजीलैंड जिसके अंदर आता है, न्यूजीलैंड ये एक अलग कंट्री भी है, ये अलग आइलैंड है। पोलिनेशियन सब रीजन जिसके अंदर पैसिफिक जो ओशन है उस पैसिफिक ओशन के आइलैंड हैं जिसके अंदर पोलिनेशियन, इसको बोलते हैं हम पोलिनेशियन सब रीजन। और एक चौथा है ऑस्ट्रोमलायन सब रीजन, ऑस्ट्रोमलायन का मतलब है जिसमें ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तर में ये जो आइलैंड है जिसमें न्यू गिनी वगैरह है, पपुआ न्यू गिनी है, द्वीप समूह है, सोलोमन द्वीप है, आरो द्वीप है, ये जो द्वीप समूह है ये इस ऑस्ट्रेलियन सब रीजन में पाए जाते हैं। तो यहाँ का जो मेमिलियन फोना है उसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि दुनिया में प्रोटोथीरियन और मेटाथीरियन जो स्पीसीज हैं वो सबसे ज़्यादा यहीं पे पाई जाती हैं। जैसे प्रोटोथीरियन में डकबिल प्लेटिपस जिसको ऑर्निथोरिंकस कहते हैं, एकिडना है जिसको आंटीटर कहते हैं, स्पाइनी आंटीटर, मेटाथीरियन में कंगारू, कंगारू क्योंकि हमें पता है वो इसी रीजन में पाए जाते हैं। पक्षियों की भी कुछ वैरायटी हैं जैसे कि जो नए उड़ने वाले फ्लाइटलेस बर्ड है वो ऑस्ट्रेलियन सब रीजन में मिलते हैं, जैसे कि एमू है वो यहाँ पे पाया जाता है ऑस्ट्रेलियन सब रीजन। इसके बाद में थर्ड है, नेक्स्ट है जो हमारा वो है नियार्कटिक सब रीजन, पाँचवा पार्ट आ गया नियार्कटिक सब रीजन और छठा होगा नियोट्रॉपिकल। पहले हम नियार्कटिक की बात कर लेते हैं। नियार्कटिक जो है वो नाम से पता लग रहा है कि नया है, ये आर्कटिक रीजन तक फैला हुआ है। आर्कटिक इसमें नॉर्थ अमेरिका पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है। इसके भी फिर चार भाग हैं नियार्कटिक सब रीजन के। इसकी जलवायु है वो टेम्परेट पाई जाती है। इसके चार रीजन कौन कौन से हैं, पहला है कैलिफोर्नियन सब रीजन, जो वेस्टर्न पार्ट होता है अमेरिका का, उस वहाँ पे कैलिफोर्निया एक प्रांत है, स्टेट है,
तो ये रीजन कैलिफोर्नियन सब रीजन कहलाता है। सेकंड है रॉकी माउंटेन रीजन, ये पूरा जो अमेरिका के अंदर रॉकी माउंटेन की एक श्रृंखला है जो कि नॉर्थ से लेके साउथ तक है, इस रीजन को रॉकी माउंटेन सब रीजन कहते हैं। तीसरा है कनाडियन सब रीजन, इसके अंदर पूरा का पूरा कनाडा और ग्रीनलैंड जो पाया जाता है ये कनाडियन सब रीजन में आता है, अलास्का का हिस्सा भी इसी में आता है। और चौथा है एलीघेनी सब रीजन, एलीघेनी ये देख नाम नया है, एलीघेनी बोलते हैं, AEEGHANY, एलीघेनी सब रीजन। इस एलीघेनी सब रीजन ये मध्य अमेरिका मिसिसिपी नदी से लेके और कनाडा तक का जो रीजन है, ये जो रीजन है ये एलीघेनी सब रीजन कहलाता है। इसके अंदर कौन कौन से फौना है, इसके अंदर मार्सुपियल ओपोशम पाए जाते हैं, अमेरिका में एक आर्मिडिलो ये भी एक मेमल्स है, प्रेरी डॉग है, पोर्क्यूपाइन है, मोल्स यानी छचुंदर हैं, और विशिष्ट प्रकार की जो चमगादड़ हैं बैट हैं, जैसे पत्ती नुमा नाक वाली बैट जो है वो यहाँ पाई जाती है, और भालू ये नियारक्टिक रीजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है लास्ट जो है हमारा वो है नियो ट्रॉपिकल सब रीजन, इस नियो का मतलब न्यू, ट्रॉपिकल का मतलब ट्रॉपिकल रीजन, इसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है ये, क्योंकि हमें पता है कि ये इस रीजन में ब्राजील और अमेजन के घने जंगल आते हैं। इसको भी हम फिर चार भागों में बांटते हैं, कौन कौन से चार सब रीजन कौन कौन से हैं। पहला है चिलियन सब रीजन, ये जो पार्ट है जो साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट है, जो कि चिली जिसके अंदर पेरू बोलीविया लापाज ये जो ये चिलियन सब रीजन कहलाता है। सेकंड है ब्राजीलियन सब रीजन, जो अमेजन के घने जंगल हैं फॉरेस्ट हैं, जिसमें ब्राजील है कुछ हिस्सा जो है, बाकी पैराग्वे यूरुग्वे का आता है, ये ब्राजीलियन सब रीजन में आता है। तीसरा है मैक्सिकन सब रीजन, जो साउथ अमेरिका का जो मैक्सिको पार्ट है वो जो रीजन है, और जो ये पनामा वाला रीजन है जो कि दोनों अमेरिका को जोड़े रखता है, गैलापागोस आइलैंड है, ये बहुत ही विशिष्ट गैलाप आइलैंड है जहाँ पे बर्ड्स की डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, इनका नाम है गैलापागोस आइलैंड। तो ये गैलापागोस आइलैंड है, ये भी इस क्या नाम है मैक्सिकन सब रीजन में मिलती है। और चौथा है एंटीलियन सब रीजन, ये जो कैरेबियन सी में छोटे छोटे टापू हैं आइलैंड हैं, लेसर एंटीलस और ग्रेटर एंटीलस, जैसे कि क्यूबा है, एंटीगुआ है, जमैका है, पोर्टोरिको है, बहामास है, ये जो कंट्रीज हैं ये सारा का सारा एंटीलियन सब रीजन आता है। इस रीजन में भी विशिष्ट जो एनिमल फौना है वो है आंटीटर, सोरेक्स, चीटीखोर, डाइडेल्फिस मार्सुपियल भी होता है यहाँ पे, डाइडेल्फिस मार्सुपियल, और इसके अलावा यहाँ पे नए उड़ने वाले जो पक्षी हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स है रिया, वो इस रीजन में पाई जाती है। हाँ एक स्पेसिफिक बात है कि घोड़े, हेजहॉग और छचुंदर मोल्स इस रीजन में न्यूट्रॉपिकल सब रीजन में नहीं पाए जाते हैं। और दुनिया का जो सबसे बड़ा सांप है यानी रेप्टाइल्स में जो स्नेक है जिसका नाम है एनाकोंडा, वो भी अमेजन के फॉरेस्ट में ही मिलता है। तो हम केवल मेमल्स की बात कर रहे हैं इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ये इस प्रकार से पूरी पृथ्वी को जो है छह रीजन में एआर वेलेस ने डिवाइड किया, उसके पहले स्केलेटन ने वर्गीकरण बताया, और इस वर्गीकरण के आधार पे हम धरती पे सभी प्राणी जात जो एनिमल फौना है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, वो एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, ये हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इन सभी छह जो रीजन हैं इनका नाम, इनके सब रीजन और इसके जो मेमेलियन फोना है स्पेशली जो पर्टिकुलर एक एंडेमिक है, एक जो वहाँ की करेक्टरिस्टिक्स है उसका एग्जाम्पल हमें बता के आना चाहिए। थैंक यू। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। माई सेल्फ डॉक्टर अवधेश शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। थैंक यू वेरी मच।